स्वामी को सामान्य व्यक्ति समझता नहीं। इस्कॉन वाले मन मत लेगा, मैं जान ले रहा हूँ इस्कॉन संस्था कह रही है नहीं, कृष्ण के अवतार विष्णु है, सिर्फ इस्कॉन संस्था नहीं कहती है, ये परंपरा कहती है। बट बाकी ब्रह्मा जी कहते हैं, बाकी दुनिया जान रही है कि विष्णु के अवतार सारे हैं। ब्रह्मा जी इस्कॉन के नहीं है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण था। बोले क्या बोले, ईश्वर परम कृष्ण बोला। बस जो सूत गोस्वामी है वो इस्कॉन के नहीं है, भागवत में बोल रहे हैं। एकलेश्वर जैसे चैतन्य महाप्रभु है, उनके पहले ही इन्होंने भागवत में लिखा था, क्या लिखा था कि बोलते एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उन्होंने शुरू में ही पहले अध्याय में ही घोषित कर दिया। बाकी जो है अंश और कला है वो क्या, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान भी और कृष्ण भी सब किया। बोलते इंद्रियारे व्याकुल माहुर मृणंती युगे युगे, इंद्र के शत्रुओं को मारने के लिए अलग अलग कलाओं में अंश में प्रकट होते हैं। अपनी भगवत पढ़ी पहले स्कंद में लिखा है, उसके बाद उन्होंने पूरा विस्तार करके बोल रहे हैं, मैं अभी पहले भगवान की स्थिति और पदों का, उनकी शक्तियों का प्रदर्शन वर्णन करूंगा, तब जाकर वर्णन करूंगा कृष्ण कौन है। तो कृष्ण के कई अवतार होते हैं, उन्होंने 24 अवतारों का वर्णन किया पहले स्कंद में, फिर 24 अवतारों का एक एक करके विस्तार पूर्वक वर्णन किया, नरसिंह चार कुमार नारद मुनि इन अवतारों का वर्णन किया। फिर अंतिम में जब उसकी स्थिति को स्ट्रांग कर लिया, तब भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान को पूरा उन्हीं के अवतारों का वर्णन किया। सुखदेव गोस्वामी चौथे सबसे ज्यादा स्पेशल वर्णन कर रहे हैं विस्तार पूर्वक चौथे 10वें स्कंद में, 10वें स्कंद में ज्यादा श्लोक ऐसे बोलने के चार पुस्तकें हैं। तो ये कोई जो चार पुस्तकें वो हमने नहीं लिखी, ये सुखदेव गोस्वामी। तो समस्या क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, यहाँ पर चार्ट है वाला गोलोक चार्ट नहीं है, यहाँ लगा नहीं। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, कुछ पुराण जो है ब्रह्मांड तक सीमित शास्त्र का ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो विष्णु है, गर्भदक्षा विष्णु। गर्भदक्षा विष्णु के पहले गर्भदक्षा विष्णु कहाँ से आते हैं, जो ब्रह्मांड में प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, तो ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है, ब्रह्मांड समाप्त होकर महाविष्णु के शरीर में जाता है। तो ये ज्ञान ये हमारा नहीं था, ये ब्रह्म संहिता में था। समस्या क्या है, समस्या क्या है कि जैसे जो ब्रह्मांड का ज्ञान की पुस्तकें पढ़ा है, जैसे कोई मान लीजिए क्लास 2 का बच्चा हुआ, उसको बोले अलजेब्रा अलजेब्रा बोलते अलजेब्रा, क्लास 10th वाले अलजेब्रा की बात करते हैं और तो कोई बात ही नहीं है, कोई क्लास 10th वाला नहीं करेगा तो कौन करेगा, क्लास 2 वाला नहीं करेगा, क्लास 2 में उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, समझ रहे बात। जैसे कि बाइबिल और कुरान में भी गलत नहीं लिखा है, लेकिन उसमें पूरा बात नहीं लिखा है। जैसे बच्चों के स्कूलों में पॉकेट डिक्शनरी होता है, उसमें शब्द सही होते हैं गलत नहीं होते, पर पूरे शब्द नहीं होते। एडवांस लर्नर डिक्शनरी जो ऑक्सफोर्ड की आती है उसमें पूरे शब्द होते हैं संसार के, क्यों होते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने वाला व्यक्ति कौन होगा, एडवांस होगा तभी पढ़ पाए। बच्चों को पॉकेट डिक्शनरी देते हैं, ऐसे ही कुछ पुराण ऐसे हैं जो पॉकेट डिक्शनरी की तरह कार्य करते हैं, उसे पूरी बात नहीं लिखी जाती, उसे विष्णु से आगे की घटना लिखी जाती है। इस चार्ट को अगर बैठ के समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे ये चार्ट हमारा नहीं है, कि गोलोक चार्ट बना ब्रह्म संहिता से, यहाँ पूरा एक एक यहाँ पर श्लोक लेफ्ट साइड में श्लोक दिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन कर लिखा हुआ है, ब्रह्म संहिता छांदोग्य उपनिषद के उपनिषदों से दिया हुआ है। तो ये कोई इस्कॉन की फिलोसफी नहीं है, इस्कॉन में कोई भी फिलोसफी अधिक नहीं है, सारा शास्त्र आधारित है। आपके सामने भागवतम पढ़ रहा हूँ, ब्रह्म संहिता है, इतने सारे ग्रंथ हैं, आप पढ़िए इतने सारे उपनिषद है, सब इस्कॉन में मिले। और इस्कॉन ही किसी संस्था है जो सबसे ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, और जाके देखिए मंडल कितने ग्रंथ हैं, बाकी सब जगहों में जो गुरु बोल रहे थे वो सही है, लेकिन गुरु क्या बोल रहे हैं, शास्त्र आधार नहीं है तो गुरु भी सही है, क्योंकि प्रमाणिक गुरु वही है जो परंपरा से प्राप्त किए ज्ञान को, जो कृष्ण से आया ज्ञान है, एज इट इज ट्रांसफर करे यथारूप। अगर वो अपने मन गलत बातें बोलता है गलत, मैं आपको सारा परपोट और वही पढ़ के बता रहा हूँ, श्लोक पढ़ के बता रहा हूँ। तो प्रमाण क्या है, शास्त्र प्रमाण, शास्त्र माता के समान है, इसलिए
सीधा माता कहते हैं, पिता कौन है? भगवान है। पिता के बारे में कौन बताएगा? माँ बताएगा। और कोई बताएगा तो उसमें गलतियां हो सकती है। मैं और आप बताएंगे पिताजी कौन है किसी का, तो गड़बड़ नहीं पहचान होगी। लेकिन माँ बताएगी तो उसमें उससे बड़ा परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। माँ तो चल जानती है कि ये ही तुम्हारा पिता है बेटा, तो उसको सोचना भी नहीं पड़ता। चाचा चाची पुआ पुपी बताएगा तो गड़बड़ होने के चांसेस है। माँ परफेक्ट सोर्स है, दैट इज गॉड, शब्द प्रमाण, श्रुति प्रमाण, तो वो शास्त्र है। तो शास्त्र क्या बोलती है वो, और सारे प्रमाणिक शास्त्र भी है, ऐसे कुछ नहीं है। कोई हमारा मन मृत शास्त्र नहीं, भागवतम, भगवदगीता, धर्म संहिता, छात्र उपनिषद, ईश्वोपनिषद, दूसरा ग्रंथ है, ग्रंथों की कमी नहीं है। सारे ग्रंथ सारे पुराण पढ़ोगे, पर कुछ कुछ ऐसे पुराण भी हैं जो कि एक लिमिट के बाद नहीं बनाते, तो वो पूर्ण नहीं है। लेकिन भगवदगीता को वैसे बताया गया कि ऐसी भगवदगीता एक ऐसा ग्रंथ है जिस समस्त ग्रंथों का सार भी है, उपनिषदों का सार भी है, और उसमें एक्स्ट्रा भी है। और उसमें भगवान ये बोले, सतगम कीर्तयन तो माम माम इकम शरणम रज, मेरा स्मरण करो, मेरी करो, मतलब भगवान विष्णु बोल रहे हो।